बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम रुखसाना इकबाल फ्रॉम पेशावर मॉडल स्कूल नौशेरा कैंपस। डियर स्टूडेंट्स, एज वी आर डिस्कसिंग अवर SVT, सो टुडे इज़ माई लेक्चर नंबर 3 रिगार्डिंग योर SVT ग्रेड 5। इन प्रीवियस टू लेक्चर्स वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 फ्रॉम यूनिट नंबर 1। नाउ टुडे वील डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 फ्रॉम यूनिट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 इन यूनिट नंबर 2 इज चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 2 क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड नंबर 3 क्वेश्चन इज मार्क द सेंटेंसेस विथ ट्रू टिक एंड क्रॉस। ऑल ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस आंसर इज ऑन पेज नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पेज नंबर 18। दिस इज फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्थ एंड डिजीजेस। दिस इज योर चैप्टर नंबर टू, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्थ एंड डिजीज। सो take out page number 18 of this chapter. First question is, choose the correct option. Which of the following are ways to keep food free from germs? First option is freezing, second is cooking, third is sterilizing. So all these three are used to keep the food free from germs. Option number D. Number 2 is, what do flies put on food so they can eat it? Option number 1 is sauce, B tear, C saliva, number D water. So correct option is saliva. Number 3 is, bacteria are used to prepare. Number 1 yogurt, B bread, C antibiotic and D milk. So correct option is yogurt. Yogurt are made by actions of some bacteria, some useful bacteria. Number 4 is, which type of germ causes pneumonia? So option number 1 viruses, B bacteria, C fungi, number D protozoa. So correct option is bacteria. Bacteria cause pneumonia in human beings. Number 5 is, milk is pasteurized at a temperature of. Pasteurization is a method in which milk is preserved. जो पैकेट जो डब्बे के दूध होते हैं उसको जो मिल्क को प्रिजर्व किया जाता है. So it's this process is called as pasteurization. So the temperature which is used to preserve milk by the process of pasteurization, the temperature is 60 degree centigrade. Question number 2 is, fill in the blanks. Food baked in a factory contain preservatives. Food baked in a factory, जो कैंस और बॉटल्स में जो फूड को प्रिजर्व किया जाता है फैक्ट्रीज के, सो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड टू देम टू प्रिजर्व द फूड फॉर अ लॉन्गर टाइम. ज़्यादा टाइम के लिए उसको प्रिजर्व किया जाता है, इस वजह से इसमें प्रिजर्वेटिव्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं. मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पेस्चराइजेशन. ऊपर मैंने समझा दिया है, पेस्चराइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच मिल्क इज प्रिजर्व्ड for a longer time. Living things which are made up of one cell are called unicellular organism. The word uni mean one, cellular cells organism. So which are made from one cell are called as unicellular organisms. A useful type of bacteria is used in making yogurt. Upar aap logon ne padha hai, bacteria are used to prepare, so yogurt. So here bacteria. A mushroom is an example of an edible fungi. Edible fungi
जो कि हम खा सकते हैं. सो मशरूम इज़ यूज एज अ फूड बिकॉज इट कंटेन्स प्रोटीन्स. लेकिन सारे मशरूम नहीं बल्कि कुछ मशरूम जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं. इट्स आंसर इज़ ऑन पेज नंबर 13. सम फंजाई लाइक मशरूम्स आर एडिबल बट सम आर पॉइजनस एंड शुड नॉट बी ईटन. एडिबल विच शुड बी ईटन, जो कि हम खा सकते हैं, जो कि यूज़ हो सकता है फॉर ईटिंग, दोज आर कॉल्ड एज एडिबल. सो मशरूम इज़ अ टाइप, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंजाई विच इज़ यूज एज अ फूड. देन थर्ड क्वेश्चन इज मार्क दीज सेंटेंसेज विद टिक और क्रॉस. इन्फेक्शंस कैन नॉट बी कास्ट बाय स्मॉल वॉर्म्स. वॉर्म्स कैन आल्सो कास्ट इन्फेक्शंस इन अवर बॉडी. देयर आर सम वॉर्म्स विच कैन कास्ट इन्फेक्शन इन अवर बॉडी. टेक पेज 15. ऑन पेज 15 इन्फेक्शन कैन बी कास्ट बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर्म. फॉर एग्जाम्पल हुक वॉर्म, लार्वा कैन बोरो थ्रू. सो इन्फेक्शन आर आल्सो कैन कास्ट बी बाय स्मॉल वॉर्म्स. सो दिस इज क्रॉस. जर्म्स आर किल्ड बाय पेस्चराइजेशन, अ प्रोसेस इन विच मिल्क इज प्रिजर्व. मिल्क कैन बी प्रिजर्व फॉर अ वाइल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पेस्चराइजेशन. टू पेस्चराइज मिल्क इट इज फर्स्ट हीटेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन कूल क्विकली. मोस्ट ऑफ द जर्म्स आर किल्ड ऑफ इन दिस प्रोसेस. सो जर्म्स आर किल्ड बाय पेस्चराइजेशन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. इन्फ्लुएंजा इज कास्ट बाय वायरस. द डिजीजेज विच आर कास्ट बाय वायरसेज. सो इन्फ्लुएंजा इज ऑल्सो अ डिजीज विच आर कास्ट बाय वायरसेज. हियर सम इलनेस कास्ट बाय वायरस इन ह्यूमन्स आर इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, कोल्ड, मीजल्स, मम्स एंड हेपेटाइटिस. सो इन्फ्लुएंजा इज कास्ट बाय वायरस. देन ऑल काइंड ऑफ बैक्टेरिया आर हार्मफुल. नो, देयर आर सम बैक्टेरिया विच आर यूजफुल बिकॉज बैक्टेरिया आर यूज टू कन्वर्ट मिल्क इंटू योगर्ट एंड दे आर ऑल्सो यूज इन मेकिंग चीज. सो चीज एंड बटर आर ऑल्सो मेड बाय विद द हेल्प ऑफ बैक्टेरिया. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. देन द लास्ट वन इज द बॉडी गेट वाइटामिन डी फ्रॉम सनलाइट. इट इज करेक्ट बिकॉज वी टेक वाइटामिन डी फ्रॉम सनलाइट. Okay students, now this enough for today. In our next lecture we'll discuss question number 4 from your chapter number 2. Now till then, Allah Hafiz.